जी राजवाने की भैन है जी उन्हों गुमराह किया गया राजवाना साहब न जदों जी राजवाना साहब की फांसी कैंसल कराई है आ सारी आवाम दुनिया बच्चा बच्चा सड़कों पर आ गया सी बादल साहब की सरकार थी बादल साहब अपना नाम खट गए उदों उस करके राजवाना बस उदों कहना जे बादल खड़ा होगा तो भैने खड़ जी नहीं खड़ी ना वो भैन को पुछते जी भैन मेरी ये जो पटियाले तो दीप ने ढिलों तेरे खिलाफ खड़ाया थी बादल ने उदों कित्थे गए सी बादल के बीबी खालड़ा के खिलाफ बीबी जगीर कौल खड़ाई उदों बंदी सिंह किधर गए सी वो तो एक स्टंटबाजी से मान साहब हराना चाहते जी इन्हों से भद्दा लवाना चाहते थे जी नंबर दो रही जी असी इनू कहने झंडा सिंह भगवंत मान झंडा अमली ये कहना होंगे स्टेट तो स्टेज चलाने बहुत अंतर होंगे वो स्टेजा चला जाता स्टेट नहीं चला सकता उन्हें पीए असी धूरी तो जी खुदा भगवंत मान वोटा पाने वाले उन्हें पीए घराचो पिंड ओ एच डी घराचो पिंड का एम पी कैंडीडेट घराचो पिंड का हालांकि जितने आया धूरी ने साडे धूरी च सत्त कैंडीडेट फिरते थे एम पी के जी वो उन्होंने दे दी उन्हें ट्रॉफिया भी चूथी जाओ नंबर दो जी जिहड़ा फतवा दीप सिद्धू तो नौजवानों ने तो अपने सिद्धू मूसे वाले करके करवाया ये फतवा दिता है मान साहब के हक च ये जिहड़ा कांड है इन्होंने करवाया जी मिली भुगत नाल जिवें चलो आप कह दो आई हुई सी गनमैन वापस ले ली जी इन्होंने ये कहना जी मैं वी आई पी कल्चर खत्म करूँ यदी स्टंटबाजी की हवा चाहता है जी इनू पता नहीं है एक घर चलाने वास्ते सूझवान चंगे पढ़े लिखे हंडे हुए लानेदार की लोड़ होंगी आई पिंड चलाने हल्का चला सामने आ रही कि शायद भगवंत मान जड़े ने मुख्यमंत्री उन्होंने भैन को कैंडीडेट बनाया जा सकता है मैडम जी गल सही है जो पहला ने अपनी भैन दे लवाए पोस्टर सुनाम संगरूर क्योंकि जेडे उत्थे सत्त कैंडीडेट थे वो कहना जी मैनू टिकट मिले कहना जी मैनू ये तो चले नहीं रहा धूरी हल्का जी पंजाब की चला लू ये उ मैं थोनों पहला कहता स्टेज चलाओं ते स्टेट चलाओं ते बहुत फर्क है जी सिख्या मंत्री ते मुख मंत्री तिन्ने जरूर देते जी की लगता तीन महीना पहले सब मांज के धरते जी इन्हां ते झाड़ू फेरता जी खालसा ने आ जिहड़े लोग ने जिवें हुण इह कहिंदा सीगा जी वी मैं गनमैन दो ते उहदे कोल उह नहीं ले जा सकिया उहदे कोल बुलेट प्रूफ गड्डी थी जी चलो मानदे आ उहदी होणी आई हुई थी पेंचर हो गई उहदी गड्डी उहदे डैडी चलाउण लगे उदों वी गड्डी फॉर्चूनर गड्डी थी जिहड़ी उहदी बुलेट प्रूफ उह पर जैकट उह घरे भुल गया गनमैन बैठ नहीं सके उहदी हुण ही ला लो चलो हाई अलर्ट की हुंदा जी जदों कांड हो गया उदों बंदे पंजाब चों कितनी दूर जाके निकलदे ने हाई अलर्ट हुंदा जी उदों बाद पौणा घंटा ओ अल्टो गड्डी च फिर मानसे च घूमदे रहे ने बंदे जी रातों रात फिरोजपुर कन्नी गड्डी मिलदी है अल्टो जी हाई अलर्ट का मतलब की हुंदा जी देखो ये सारी इन्हां दी मिली भुगत जी इन्हें आप कहा थी मैं वी आई पी कल्चर खत्म करूँ नंबर तीन जी जदों कोर्ट ने हाई कोर्ट ने तलब करता जी इन्हां नूं सरकार नूं भी जवाब दिओ क्यों गनमैन ले क्यों जनतक कीती सूची फिर इन्होंने कहा जी 6 जून 1984 करके लिए सत्त नूं वापस देना इन्हें कोई जवाब नहीं आया इस करके जी ये स्टंटबाजियां करता है इहदा नाम आप ही कहना होंदी झंडा सिंह बिल्कुल झंडा सिंह अमली है ना कि इन्हें नशा खत्म किया दिनों दिन क्राइम हो रहा है दिनों दिन नशे विक रहे हैं दसो कित्थे हो रहे ने नंबर चार जी बुढ़िया नूं 1000 रुपया देता नंबर 5 जी इन्हें 300 यूनिट केजरीवाल ने कहा जी पहली गरंटी देती जी कदे कहिंदा 1 किलो वाट होवे कदे कहिंदा 2 किलो वाट होवे नंबर 3 जी नंबर 3 क्लीनिक पिंडा च होणगे देते जी दारू सस्ती करती दवाई सस्ती सरकार दा कहना है कहिंदे कि 75 सालां दे जिहड़े काम विगड़े होए ने 75 दिनां च नहीं हो सकदे सानूं समां चाहीदा मैडम जी एक फिल्म चली थी अनिल कपूर की वो इसे क्राइम प्रति यह गंदे लीडर प्रति उन्हें एक दिन चो कि कुछ कर दिंदा एक चलो 2 महीने कढ़ दो 1 महीने च जी एक कम तो कर दिंदा पहली गरंटी ला वाढ़ो गरीब अमीर कर दिंदा 300 यूनिट कदे कहिंदा 1 किलो यूनिट होवे 1 किलो वाट होवे कदे कहिंदा 2 किलो वाट होवे इस करके जनता ने कोई इन्होंने काम नहीं किया यह साडी जनता जी इनकलाबी कौम है यह जमीन जागदियां जमीर वाली कौम है यह फिर जिधर नूं फतवा दिंदी है भगवंत मान नूं दसता अज मैनूं वधाइयां दित्तियां ने खुदा आम आदमी पार्टी वाले ने कहने भाई जी दसता भगवंत मान के कन्न खुल जाएंगे अज तो कम कराऊगा ही नाले पंजाब सरकार नाले सेंटर ऐ गुरु दे घरे खड़े गुरु महाराज ने चढ़ती कला रखी है अं चढ़ती कला रखे इस करके इन्ना कुछ कहते खेवे जा बोले सो नेहा।